नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज कंप्यूटर के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर के कुछ गुण के बारे में कि कंप्यूटर के क्या क्या खासियत है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में दो वीडियो लॉन्च हो चुकी है, ये तीसरा वीडियो है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। तो आज मैं आपको बताऊँगा कंप्यूटर के कुछ गुण, कुछ खासियत क्या है। जिस तरह से अगर आप ये जानना चाहते हैं, अब आज मैं बताऊंगा गूगल ट्रांसलेशन के बारे में। गूगल ट्रांसलेशन क्या होती है कि अगर आपको किसी वर्ड का हिंदी जानना चाहते हैं कि हिंदी में क्या होती है, जैसे स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब चीज़ का आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो कैसे आप जान सकते हैं, तो उसका एक गूगल ट्रांसलेशन होती है, उसके बारे में आज मैं बताऊँगा। सबसे पहले गूगल ट्रांसलेशन को खोलने के लिए सीखते हैं और उसको देखते हैं। अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं, अगर आप मोबाइल में गूगल ट्रांसलेशन लाना चाहते हैं तो आप गूगल क्रोम खोल लीजिए और डेस्कटॉप साइट कर लीजिए तो कंप्यूटर की तरह ही दिखाई देगा। मेरा डेस्कटॉप पर आइकन है, मैं उसे डबल क्लिक कर रहा हूँ। मैं डबल क्लिक किया, इसको बोलते हैं एड्रेस बार। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा google.com और इसको बोलते हैं सर्च इंजन। इसमें मैं लिखूंगा गूगल ट्रांसलेशन और देखिए गूगल ट्रांसलेशन तो यहाँ पर आ गया। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको यहाँ पर लेके आ गया हूँ। देखिएगा इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का क्या क्या गुण है, क्या क्या खासियत है, ठीक है ना। सबसे पहले स्पीड, तो स्पीड से क्या होती है, स्पीड में अगर हम लोग यहाँ पर स्पीड को आप जानते भी होंगे, ऐसा बात नहीं कि स्पीड मतलब होती क्या है, फिर भी मैं यहाँ पर गूगल ट्रांसलेशन को ओपन किया और यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हिंदी कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करके हिंदी देखिएगा, स्पीड का हिंदी होता है गति, यानी कि गति। तो क्या कह रहा है, कंप्यूटर जो होती है एक ही स्पीड में 24 घंटे काम करता है, कभी भी थकता नहीं है। लेकिन आदमी जो है एक स्पीड में 24 घंटा काम नहीं करेगा, थक जाएगा, कभी रुक जाएगा, ठीक है ना। कंप्यूटर एक ही चाल में वो काम करते रहता है 24 घंटा, कभी थकता नहीं। सिर्फ आदमी का ड्यूटी बदलते रहता है, आठ घंटा। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पर देखे होंगे कंप्यूटर से टिकट 24 घंटा कटते रहता है, आदमी का शिफ्ट चेंज होता है, कंप्यूटर बंद नहीं होता है। आदमी की तरह आदमी ये नहीं कि आदमी 8 घंटा सोता है, कंप्यूटर सोता होता नहीं है। अब एक बार चालू कर दीजिए तो लगातार 100 वर्ष तक चालू ही छोड़ दीजिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो स्पीड के मतलब क्या होता है, गति। तो हम लोग ये जाने कि स्पीड में से आपको एक ही चाल में कंप्यूटर काम करता है। एक्यूरेसी मतलब क्या होती है, हम इसको भी यहाँ पर कॉपी किए और गूगल ट्रांसलेशन में आपको यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, शुद्धता के साथ काम करना। कंप्यूटर कभी भी गलत चीज अपने अंदर वो नहीं लेती है। आपको कोई भी अगर आप मीनिंग ग्रामर अगर गलत हो जाती है तो कंप्यूटर आपको बताता है कि आप चीज आप गलत टाइप किए हैं। एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड लिखेंगे और उसको मैं देखूँगा। तो सबसे पहले देखिएगा मैंने 3 वर्ड लिखा है, इसे मैं लिखा कंप्यूटर, एप्पल और डॉग। ये देखिएगा ये आपको गलत कर दिया। तो गलत कैसे किया, नीचे देखिए रेड लगा रहा है, नीचे जो है ये नीचे देखिएगा रेड लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, गलत, यानी कि ये गलत हो गया। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको इसका कंप्यूटर आप चाहते हैं कि सही कर दो तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके सबसे ऊपर वाला पर क्लिक करके आप सही भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कंप्यूटर जो होती है शुद्धता के साथ काम करता है, कभी भी गलत वर्ड बर्दाश्त नहीं करता है। आगे हम लोग को क्या है, स्टोरेज एंड रिट्रेवल, ये क्या होती है, इसका भी मैं गूगल ट्रांसलेशन में पेस्ट करूंगा और इसका भी मैं देखूंगा इसका मतलब होती क्या है। तो
देखिए, स्टोरेज मतलब क्या होता है, भंडारण और पूर्ण प्राप्ति, मतलब कहने का मतलब है कि सुरक्षित रखता है, सुरक्षित आपको आपको देता भी है। आप कंप्यूटर में कोई भी डाटा सेव करके आप रख देते हैं तो ये घंटे नहीं, महीनों नहीं, साल नहीं, बहुत साल, 50 साल के बाद भी उसको आप सुरक्षित ही निकाल सकते हैं, जैसा आप रखे होंगे। लेकिन अगर आप कोई सामान घर में आप रख 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 देंगे तो वह 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन कंप्यूटर सुरक्षित रखता है और सुरक्षित आपको देता भी और निकालता भी, अब निकालेगा सुरक्षित ही निकलेगा। उसके बाद हैजर्ड इन्वायरमेंट, इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं, इसको अभी कॉपी कर लेते हैं और अपने गूगल ट्रांसलेशन में पेस्ट करते हैं। इसका मतलब होता है खतरनाक वातावरण, मतलब किसी भी वातावरण में कंप्यूटर काम करता है, मतलब आंधी तूफान बिजली अगर चल रही है तो कंप्यूटर कभी बंद नहीं होता। अगर कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो समझिए कि दुनिया ही रुक जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर मौसम खराब हो गया, हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है, मौसम खराब हो गया तो नीचे से कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है। अगर वो मौसम में खराब में कंप्यूटर यहाँ नीचे वाला बंद कर देगा तो उससे आपको सिग्नल टूट जाता है, तो उस तरह से उसका जहाज स्पेस में खो जाएगा। तो उसी प्रकार से होता क्या है कि आप कंप्यूटर किसी वातावरण में काम करता है, कभी भी बंद नहीं होता है दोस्तों, किसी भी वातावरण में, किसी भी मौसम में कंप्यूटर काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होती क्या है, लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है एक तरह से कमजोर भी होता है, मतलब कंप्यूटर एक तरह से कमजोर है। तो किस मामले में कमजोर है, अगर आप इस पर कोई पत्थर मार देते हैं, आप इसमें कुछ पत्थर मार देते हैं और या फिर कुछ फोड़ देते हैं तो यह आपको खराब हो सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, नो आई क्यू। नो आई क्यू मतलब होती है क्या, नो आई क्यू, आई क्यू मतलब होता है क्या, दिमाग। कंप्यूटर का कोई दिमाग नहीं हुआ करता है, वो आपके दिमाग से ही काम करता है। अगर आपको कंप्यूटर का कोई, आपको कंप्यूटर का अगर आप आपको कोई ये बोलते हैं कि आपके पास कंप्यूटर दिमाग है तो समझिए कि आपके पास दिमाग तो है लेकिन वो आप अपने से काम नहीं करेगा, कोई और काम आपको करवाएगा तभी काम करेगा। कंप्यूटर का कोई दिमाग होता ही नहीं है, उसको बोलते हैं नो आई क्यू। उसके बाद है वर्सलिटी। ये क्या क्या करती है, ये एक ऐसा होती है जैसे आप, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको 809 कंप्यूटर क्लास कर लीजिए और 809 कोई और मैथ का क्लास कर ले, तो आप एक टाइम में एक आदमी का संभव नहीं है। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, एक ही टाइम में, एक ही समय में कंप्यूटर दो तीन काम कर सकता है, जैसे कुछ टाइपिंग कर सकते हैं, कोई नेट चला सकते हैं, कोई वीडियो गेम खेल सकते हैं, कोई वीडियो देख सकते हैं। लेकिन काम, आदमी एक ही काम में एक ही समय एक ही काम करता है, लेकिन कंप्यूटर दो तीन काम भी करता है, जिस तरह से डबल रोल होते हैं। उसके बाद पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, याद करने की शक्ति, कंप्यूटर की याद करने की शक्ति इतनी होती है कि कभी भूलता नहीं है और आदमी अक्सर भूल जाते हैं। कंप्यूटर आप 100 बरस के बाद भी खोलेंगे तो आपको वही याद करके आपको बताएगा, कंप्यूटर कोई भी चीज़ वर्ड को भूलता नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये कंप्यूटर का कुछ गुण है, कुछ खासियत है जो मैंने आपको अभी बताया। ये कंप्यूटर के इतना सारे गुण पाए जाते हैं। अगला मेरे पास है एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। एरिया मतलब कहता है क्षेत्र, मतलब कंप्यूटर कौन कौन सा क्षेत्र में अभी यूज हो रहा है। तो मैं आपको ये बताऊंगा, कंप्यूटर हर क्षेत्र में यूज हो रहा है, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिससे कंप्यूटर यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल के मैं दौर में आपको ले जाऊँ, आप एक छोटा मोटा दुकान में जाइएगा तो कंप्यूटर से ही बिलिंग निकलता है। आप बैंक में जाइए, ब्लॉक में जाइए, रेलवे स्टेशन में जाइए, बड़ी बड़ी कंपनी में जाइए, बड़ी बड़ी संस्था में जाइए, बड़े बड़े लैब में जाइए, बड़े बड़े हर जगह में कंप्यूटर होते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब होता है विज्ञान के भी क्षेत्र
क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है, इसके इससे ही कंप्यूटर का उपयोग होता है। नेक्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब इससे खोजबीन भी इसी से किया जाता है। उसके बाद आपको मेडिकल ऑफ साइंस, मेडिकल ऑफ साइंस का मतलब होता है कि मेडिकल के क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज होता है। जैसे कि आप एक्सरे देखते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो ये कंप्यूटर के क्षेत्र में ही यूज आपको इससे यूज करते हैं। विज्ञान, ठीक ना, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई ग्रामर आपको आपको समझ में नहीं आया है तो गूगल ट्रांसलेशन से भी आपको आप उपयोग करके देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारे पास क्या है, मेडिकल साइंस आपको बता दी कि कंप्यूटर आपको अल्ट्रासाउंड एक्सरे सब कंप्यूटर से होती है, बड़ी बड़ी जो होती है उसको बड़ी बड़ी जो जो ऑपरेशन होते हैं उसको। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, पढ़ाई लिखाई भी कंप्यूटर से किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन, इसका मतलब होता है कि पहले का अगर कोई मकान बनाना होता था एक कट्ठा में, तो पहले रूम बाय रूम मतलब खड़ा हो जाया करता था, और बाद में पता चला कि किचन गलत बन गया, बाथरूम गलत बन गया, ड्राइंग रूम मेरा गलत बन गया। लेकिन अब क्या होता है, कंप्यूटर पे ही आपको बना दिया जाता है कि आप इतना बाई ड्राइंग रूम है, ये आपका बेडरूम है, ये किचन रूम है, ये आपको कार लगाने के लिए जगह है, और उसके बाद वो मकान को खड़ा होती है, मकान को आपको बिल्डर उस पर काम लगाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन, तो ये कंप्यूटर से ही पहले डिजाइन को बना लिया जाता है। जब कंप्यूटर नहीं था तब बहुत सारे दिक्कत हुआ करता था। उसमें मीडिया, मीडिया मतलब होता है जैसे जी न्यूज, आज तक आप देखे होंगे कहीं भी आप यहाँ पर कंप्यूटर लेकर जाता भी खींचा और तुरंत उसको रिले कर दिया, तो देश के कोने कोने में तुरंत रिले हो गया, तो कंप्यूटर की सहायता से ही हो पा रहा है। उसके बाद वीडियो मिक्सिंग कंप्यूटर से ही होता है, इंटरनेट कंप्यूटर से ही होता है, फोटो स्टूडियो ऑफिस जितने भी सारे चीज़ को ऑफिस रिलेटेड, बैंक ऑफिस सारे चीज़ को ऑफिस ही बोलते हैं, तो सभी चीज़ में कंप्यूटर ही यूज होता है। बिना कंप्यूटर कोई काम होता ही नहीं है, अगर बिना कंप्यूटर कोई काम होता ही नहीं है, तो ये सारे क्या होता है, एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर जो है हर क्षेत्र को कवर कर रहा है। उसके बाद है इंटरटेनमेंट, मतलब एक तरह से मनोरंजन का साधन भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर से खेल सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। उसके बाद भी ETC और इसमें है, ठीक ना। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का पार्ट, जैसे हम लोग का जैसे आदमी का पास्ट, जैसे आई ईयर नो, इस तरह पास्ट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।